अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सी डिश एक सर्दियों की स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, काबुली पुलाव, जो बहुत ही जायकेदार बनता है, बहुत कम मसालों के साथ बन के तैयार होता है काबुली पुलाव। ये देखिए, काबुली पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया और बड़े बड़े पीस में लेना है, छोटे पीस में नहीं लेना है। देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से धो लिया है मैंने और बिल्कुल बड़े बड़े पीसे हमें इसके करवाने हैं। अब इसको हमें गलाना है प्रेशर कुकर में, हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में, हम डाल देंगे और बहुत कम मसाले डालते हैं इसके अंदर, सिर्फ जीरा और बड़ी इलायची डालेगा, बाकी के मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे। देखिए 2 चम्मच जीरा लिया है मैंने और 3 बड़ी इलायची ली है, इसी का फ्लेवर हमारे गोश्त में आएगा। बस ये डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी हम इतना डालेंगे कि हमें अखनी का भी चावल का पानी भी इसी में से निकालना है। तो करीब 1.25 लीटर पानी में इसमें डाल दूंगी ये देखो, और इसमें नमक डाल दूंगी 2 चम्मच भर के, मिक्स कर देंगे इसको हम। ये देखिए मिक्स करके 2 चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूंगी ताकि हमें अखनी का चावल पकने का पूरा भी नमक इसमें से ही हमें निकालना है। बस इसको इस कवर करके हम इसकी भीड़ लगा के इसको गला लेंगे 20 से 25 मिनट, जब तक कि हमारा मटन अच्छे से गल नहीं जाता। पानी थोड़ा कम लगा, थोड़ा मैंने और डाला है, बस इसको चढ़ा देते हैं और इसको हम गला लेते हैं। ये देखिए मटन गल रहा है, हम इसके अंदर बटर डाल रहे हैं मैं करीब 2 से 3 चम्मच। हमें गाजर, किशमिश और बादाम को फ्राई करना है, थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूंगी। गाजर मैंने 250 से 300 ग्राम गाजर ली, इसको मैंने ये देखिए कट कर लिया, इस तरीके से लंबे लंबे क्यूब में इसको काटा है। गाजर को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करना है। 20 से 25 बादाम को गर्म पानी में भिगा के इसका छिलका ले लिया है और ये किशमिश ले ली 3 से 4 टेबल। इसमें मुनक्का डालती है ब्लैक कलर की, मगर मैंने किशमिश डाली क्योंकि मेरे पास किशमिश ही थी। आप मुनक्का भी डाल सकते हैं इसके अंदर ब्लैक कलर की। अब इसको हमें फ्राई करना है, 1-2 सेकंड हम पहले किशमिश को फ्राई कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम गाजर और बादाम को डालेंगे। गर्म पानी में बादाम भिगा दी तो बहुत जल्दी इसका छिलका निकल गया। गाजर भी डाल देंगे हम इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे। गाजर आप ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से, इस पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगती है गाजर, किशमिश, गाजर का मीठापन, किशमिश का खट्टापन, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर उठ के आता है। आप यकीन मानिए घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये पुलाव, तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि गाजर हमारी मीठी ना हो, कभी इसे ज़्यादा मीठी नहीं थी, इसके लिए मिठास के लिए 1 चम्मच शक्कर डाली है और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गई है गाजर, किशमिश और बादाम, अब हम इसको निकाल लेंगे। बस 2 से 3 मिनट ही हमें फ्राई करना है। अब देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल और डालूंगी, ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब जैसे थोड़ा ऑयल गर्म हो जाता है इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज की ली है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। प्याज को डाल के हमें फ्राई करना है, लाइट गोल्डन फ्राई करना है, डार्क नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्की सी लाइट गोल्डन हमें प्याज फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। चले प्याज फ्राई हो रही, इतने में हम मटन को देख लेते हैं। देखिए मटन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और इतनी अखनी भी इसमें बची है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए बहुत अच्छा, बिल्कुल मक्खन की तरह हमारा गोश्त गल गया है। थोड़ा सा हम इसको मसाले में भी फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। चलिए मसाले में इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक। लहसुन अदरक वैसे इसमें डलता नहीं है पुलाव में, मगर मैंने बिना उसके इसको बना के देखा, मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन लोग हैं, हमको थोड़ा चटपटा खाने की आदत है, इसलिए मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जिससे इसका और भी स्वाद बढ़ के आया है।
बिना लहसुन अदरक के इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने पहले भी बनाया था, मगर ऐसे मैंने डाला तो बहुत अच्छा स्वाद आया, इसमें और भी अच्छा टेस्टी बना है ये पुलाव। तो आप अगर ना डालना चाहे तो बिल्कुल ना डालें, मगर हाँ मैंने तो डाला है, उससे ही इसका फ्लेवर उठ के आया है। अब इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर डाले बिल्कुल अच्छे लाल कलर के, उनको बारीक कट कर लिया है, और इसको टमाटरों को हमको बिल्कुल गलाना है, मैश कर लेना है। तो हम थोड़ा इसको कवर करके गला लेंगे टमाटर। देखिए टमाटर अच्छे से हमारे मैश हो गए, हमने कवर करके गला लिए थे। अब इस वक्त हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे, हमने अखनी में से गोश्त निकाल लिया था सब, अब इसको भी हम भून लेंगे टमाटर के साथ, बहुत तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे, करीब 5 से 7 मिनट भूनेंगे बस। मटन हमारा अच्छे से भुना गया है, इसके अंदर हम अब ये अखनी डालेंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो मुझे 4 गिलास पानी डालना है, तो अखनी मेरी 1 गिलास से थोड़ी कम पड़ गई, तो मैं 1 गिलास सादा पानी डाल दूंगी, बाकी का सारा अखनी। 3 गिलास मेरी अखनी हुई और 1 गिलास मैंने सादा पानी डाला, इनको सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। माशाल्लाह कलर आया है ये टमाटर से, हमारा कलर अच्छा आया है पुलाव में। अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको एक बॉईल आने तक हम पका लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। नमक अगर हमें कम लगा तो इसमें और डालेंगे, नमक मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और डाला था, क्योंकि पुलाव में थोड़ा नमक उबता हुआ ही अच्छा लगता है। इसके अंदर कोई लाल मिर्ची हरी मिर्ची कुछ भी नहीं डालती है, सिर्फ गरम मसाला और टमाटर में हम इसको बनाएंगे। मैंने 2 चम्मच भर के गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ घर का होममेड मेरा गरम मसाला है, इसमें गरम मसाला भी नहीं डलता, मगर मैंने टेस्ट के लिए आपको बोला ना कि जवान में जायका ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से ये बॉईल हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये चावल 1 से 1.5 घंटे भिगा के रख दिए थे अच्छे से धो के। ये बिरयानी स्पेशल चावल है, ये टूटते नहीं है। बस इस चावलों को उस वक्त इसमें हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। नमक गरम मसाला का फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर, इसलिए मैंने डाला। अगर आप गरम मसाला भी नहीं डालना चाहे तो मत डालना, मगर मेरी राय में आप बिल्कुल डालें, क्योंकि पुलाव जब ही ज़्यादा बेहतर बनता है। देखिए पानी उबल के पूरा सूख गया था, ड्राई हो गया जब तक मैंने इसको पकने दिया था। अब इसके अंदर हम ये गाजर किशमिश और बादाम भी जमा लेंगे, क्योंकि हमें इसे अब दम पे लगाना है। हमने 10 से 15 मिनट जब तक इसका पानी नहीं सूखा, हमने खुले ही इसको तेज आंच पे पकाया था, अब इसको दम लगाना है। तो हम ये गाजर वगैरह इसमें सब लगा देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे, खिला देंगे। गाजर और बादाम किशमिश आप और ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। बस इस वक्त इसको हम कवर करेंगे, गीले कपड़े से कवर करके हम इसको दम पे लगा देंगे 20 से 25 मिनट। इसमें सब ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, और फिर इसी के दम पे इसको हम छोड़ देंगे। गैस बंद करके 10 मिनट और भी हम इसमें छोड़ देंगे ताकि अच्छे से दम हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं 20 से 25 मिनट बाद, देखिए माशाल्लाह खुशबू आ रही है एकदम, हमारा लाजवाब और बेहतरीन काबुली पुलाव बन के तैयार हो रहा है। देखिए चावल आप देखिए इतना खिला खिला भी, ठंडा होना चाहिए और भी खिल जाएगा। सिर्फ मैंने 20 से 25 मिनट इसको मैंने भाप में बिल्कुल लो मीडियम आंच पे हमने पकाया था, और फिर 10 मिनट खुला ही छोड़ दिया। ये देखिए माशाल्लाह हमारा काबुली पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ज़रूर से बनाइए, सर्दियों में खाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, चावल में बहुत ज़्यादा इसका स्वाद आता है। तो आप बनाइए खाइए, दुआ में याद रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।